अगली खबर का रुख करेंगे भोपाल से। अगली बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, सीएम शिवराज आज स्टूडेंट्स को सौगात देने जा रहे हैं, तो बड़ी सौगात आज छात्रों को सीएम शिवराज देंगे। मंत्री इंदर सिंह परमार और मीना सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। तो आपको बता दें कि मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि आज सीएम बांटेंगे। मंत्री इंदर सिंह परमार और मीना सिंह इस दौरान मौजूद रहेगी। तो कमलनाथ सरकार के समय इस योजना पर ब्रेक लगा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि वितरित आज की जाएगी। और फोन लाइन पर वैभव गुप्ता हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। वैभव जी, ये वो योजना है जिससे कांग्रेस सरकार ने ब्रेक लगा दिया था, लेकिन शिवराज सरकार बीजेपी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आई और इस योजना को फिर से शुरू किया गया। इस योजना का छात्र सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं वैभव जी, क्योंकि कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद ही उम्मीद रहती है कि शायद किसी तरह का इनाम हमें मिलेगा, सम्मान की राशि हमें प्राप्त होगी, और आज वही छात्रों को मिलने जा रही है। यह कांग्रेस की सरकार ने बजट की बात कहकर इस योजना को रोक दिया था, लेकिन जैसे ही सरकार बीजेपी की बनी थी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मैं जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है उसको फिर से शुरू करूंगा। तो 12वीं की परीक्षा में 85% नंबर अंक लेकर आने वाले विद्यार्थियों का आज सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। टॉपर्स के अकाउंट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लैपटॉप की राशि का वितरण करेंगे, उनको चेक वितरित करेंगे। सुबह 11 बजे मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसके साथ ही 44,000 विद्यार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। और भोपाल के 60 विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ बुलाया गया है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण चल रहा है और तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाया जाए, इसलिए यह कार्यक्रम बहुत लिमिटेड किया गया है। केवल 60 अभिभावकों को जो विद्यार्थियों के साथ बुलाया गया है, ताकि और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद भी करेंगे। जो 44,000 छात्र हैं जो कि परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आए हैं, 80% 4 नंबर लेके आए हैं, जिनके खाते में लैपटॉप की राशि वितरित होनी है, तो उनके कोरोना काल के दौरान पढ़ाई में किस तरह का नुकसान हुआ, इस पर भी संवाद किया जाएगा। और भविष्य में क्या योजनाएं रहेंगी ऐसे छात्रों की जो अच्छे नंबर लेकर आए हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा छात्रों के जीवन को सफल बनाने के लिए, उन्हें करियर मजबूत करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनके बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बताएंगे। बिल्कुल, तो एक तरह से उत्साहवर्धन सीएम की तरफ से इन छात्रों का किया जाएगा, जिन्होंने कोरोना काल में भी कड़ी मेहनत करके इतने अच्छे अंक लेकर आए हैं, और आज सीएम शिवराज की तरफ से उनका सम्मान किया जाएगा। लैपटॉप की राशि आज सुबह 11 बजे मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम होगा जिसमें छात्रों को लैपटॉप की राशि वितरित की जाएगी। लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहेगा।